उत्तरकाशी के सिलकियारा में हुए टनल हादसे को दैव्य शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर बैगनाग देवता का मंदिर नहीं तोड़ा जाता तो यह हादसा नहीं होता। निर्माणाधीन सिलकियारा टनल में दीपावली की सुबह करीब 5:30 बजे करीब 55 मीटर मलबा आया, जिसके चलते टनल के भीतर काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए। दैव्य शक्ति को इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि हादसे के 2 दिन पहले ही टनल के बाहर बने बैगनाग के मंदिर को तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर इस मंदिर को नहीं तोड़ा जाता तो ये घटना नहीं होती, ये हादसा नहीं होता और आज जिंदगी के लिए जद्दोजहद नहीं हो रही होती। 65 वर्षीय स्थानीय बुजुर्ग का कहना है कि एक दौरान की बात है जब विशाल राणा, जो एक राजा थे, जब अपनी बारात लेकर राडी टॉप पर पहुंचे तो राजा ने अपने गुरूर के चलते, अपनी घमंड के चलते देवता बैगनाग को सिरफल देने से मना कर दिया, यानी कि वहां शीश झुकाने से मना कर दिया। तब बैगनाग ने पूरी बारात को चपेट में ले लिया और पूरी की पूरी बारात जो है वो यहीं समा गई और इस स्थान पर ही सारे के सारे लोग जो है वो मारे गए। अब बाद में वो कैसे हुआ, जब किसी ने बताया कि पानी का तालाब, वैज्ञानिक ने बताया, किसी वैज्ञानिक ने उन्होंने कहा यार बहुत बड़ा तालाब है, इसको छेड़ो के अंदर करने हो गए। तो ये नहीं, ये टनल यहाँ नहीं बनी है, तब ये रोड की कटिंग हो रही थी, यहाँ छोटी सुरंग बननी थी, इससे ऊपर से जाके तब ये रोड कटी है कि इसमें ना छिड़ा खाने की रोड यहाँ से ऊपर से चली गई। अब बना के वो शॉर्टकट के बारे में जो है, यहाँ से टनल के बारे में जो ये चल रहा है जिक्र, तो इसमें जो है ऐसा तो कुछ नहीं मिला आगे की, जो तो सुनने में नहीं आया कि इसमें तालाब आ रहा है कि कुछ आ रहा है, वो इस दूसरी जगह से था पीछे से नीचे की साइड से जिसमें तालाब भी आ गया। वो बहुत पहले की बात है, कब की। जब इस बात का आभास होने लगा तो मंदिर को फिर से विधिवत पूजा अर्चना कर स्थापित किया गया और ये भी कहा गया है कि मंदिर को टनल के मुहाने पर फिर से निर्मित किया जाएगा। जब घटनास्थल पर अंतरराष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट संगठन के अध्यक्ष विदेश से सिलकियारा पहुंचे तब उन्होंने इस मंदिर में माता भी टेका और देवता बैगनाग से आज्ञा ली। ये बात तब सिद्ध होती है क्योंकि मंदिर स्थापित न करने से पहले जब कार्यदायी संस्था वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही थी तब 22 मीटर के पास ड्रिलिंग का काम रुक गया था, जिससे सरकार से लेकर प्रशासन स्तर के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। तब 5 जगह से ड्रिलिंग करने का प्लान बनाया गया लेकिन परिणाम तब ठीक आने लगे जब मंदिर स्थापित किया गया। अब अच्छी खबर ये आने लगी है कि कुछ ही घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि अभी तक 50 मीटर से ज्यादा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो चुकी है जबकि महज 8 मीटर की दूरी आर पार करने के लिए बची है। पीएमओ के अधिकारी भास्कर खुले ने कहा और खुशी जताई है कि विकास बागवाला फंसे हुए मजदूरों के साथ मनाई जाएगी जो देर रात तक या कल सुबह तक सुरक्षित निकल सकेंगे। जैसे कि कल शाम हमने बताया था कि हमारी 800 एमएम की पाइप, हम 900 एमएम डायक पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 एमएम डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 एमएम की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 पौने एक बजे और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर तो 21 प्लस 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 एमएम का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उधर स्थानीय लोगों की अब उन फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए बैगनाग देवता से सुरक्षित आने की कामना की जा रही है। हमें बहुत दुख है भाई उनका, हमें तो नींद आ रही रात को, ना दिन में भूख लग रही ना कुछ, उन्हीं पे जीवन है हमारा, कैसे कैसे बाहर निकालो उन्हें, आप मीडिया वाले करो भाई कुछ। नहीं तो आपके भी कोई परिजन है कि अंदर या कौन? हमारे परिजन नहीं, चाहे बाहर के लोग हैं पर अपने तो हैं, वो भी जीवन ही है बेचारे पर, देखो तो भूख का प्यास है वहाँ अंदर से, हम जाते धन्यवाद क्या देना, हमने जल्दी जल्दी प्रयास करो, हमने बाहर निकालने की कोशिश करो, क्यों
ये है ना, सब पे जीवन है। आप लोग तो आ रहे बड़ी बड़ी ऐसी में घूम रहे, उनका क्या हो रहा है अंदर? जीरो ऑक्सीजन की भी कमी है, खाना भी नहीं मिल रहा है, कैसे होंगे वो बेचारे अंदर? आप लोगों को भी दुख है इसका, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो दोबारा से देवता को पूजेंगे, लेकिन जो यहाँ पर मजदूर फंसे हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विज्ञान के साथ साथ दैवीय शक्ति का भी सहारा लिया गया, जिससे सुखद परिणाम आने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब तक सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। वैसे तो पूरा देश कामना कर रहा है, उम्मीद है बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी सामने आएगी।